तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे आएंगे बच्चे वहाँ से, कैसे क्या होगा उनका। कहीं से संतुष्टि नहीं मिल रही थी, आदमी बात कर रहे थे ये भी नहीं महसूस हो रहा था ये क्या बात करके गया, क्योंकि दिमाग अपनी जगह पे था ही नहीं। बस कि वहाँ बहुत भगवान का शुक्र है और मोदी जी का बहुत शुक्रिया कि हमारे बच्चे हमारे पास आ गए वापस। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नजफगढ़ के दो छात्रों स्वाति और साहिल का यूक्रेन से सकुशल वापस लौटने पर बीजेपी के हरिंदर सिंगल, मुकेश देशवाल और मुनेश यादव उनके घर गए और बच्चों के सकुशल लौटने पर उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी व बच्चों का मनोबल बढ़ाया। बच्चे सकुशल लौट के घर आ गए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लग रहा था आपको जब बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे और आप न्यूज़ देख रहे थे, उस टाइम पे क्या भावनाएं थी? बहुत डर लग रहा था, बहुत मतलब ये था कि देखते कैसे आएंगे बच्चे। अब वो कि का जैसे कि वो एयरवेज ख़त्म कर दिया था उन्होंने, तो ये कि बाय एयर आ सकते थे लेकिन वो भी बंद हो गया था, तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे आएंगे बच्चे वहाँ से, कैसे क्या होगा उनका। तो बस बच्चे आने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? उनको अपना गले से लगाया और बस कि वहाँ बहुत भगवान का शुक्र है और मोदी जी का बहुत शुक्रिया कि हमारे बच्चे हमारे पास आ गए वापस। कैसा लग रहा है एक पिता के तौर पे? सर बच्चे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, और जब बच्चे हमसे दूर थे तो कई बार फ़ोन से भी बात नहीं हो रही थी। दो तीन दिन वहाँ पे बॉर्डर पे ये फंस गए थे, इनके फ़ोन भी चार्ज नहीं थे तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई। दिन और रात कोई भी मैसेज आए तो हम यही सोचते थे हो सकता है बच्चों ने कोई व्हाट्सएप वगैरह ऐसा डाला होगा, तीन चार दिन तो सोए ही नहीं है। कहते हैं कि माँ का दिल बहुत कमज़ोर होता है और पिता का दिल जो है बहुत मजबूत होता है, लेकिन इस हालात में एक पिता के तौर पे क्या कहता था दिल बार बार? दिल तो कमज़ोर तो वो तो नहीं कह सकते, बाकी कहीं किसी तरीके से रुका नहीं जा रहा था कि भी कहीं से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। आदमी बात कर रहे थे ये भी नहीं महसूस हो रहा था ये क्या बात करके गया, क्योंकि दिमाग अपनी जगह पे था ही नहीं। और बार बार बस न्यूज़ वगैरह देख के, मोदी जी की बात देख के, और जैसे जैसे वो फैसले लेते जा रहे थे तो थोड़ी सी उम्मीद जगी कि अब लगता है कि हमारे बच्चे सेफ आएंगे, और मोदी जी के सहारे से ही सेफ आए हमारे बच्चे। तो हम उनका बार बार लाख तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। कुछ समय आपने, कुछ दिन जो आपने काटे हैं, कैसे कटे थे वो दिन? हमने जब जर्नी शुरू करी थी अपनी विनित्सिया से, तो मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉर्डर पे ऐसा कुछ होगा, इतनी धक्का मुक्की और मतलब जाने के कोई वो नहीं, और मतलब अलग ऐसा था कि स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा स्टूडेंट्स की तरह निकालेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जैसे तैसे वो आए, फिर उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद बहुत हेल्प हुई, सब बहुत अच्छे से। और जितना भी टाइम हम विनित्सिया में वहाँ पे फंसे हुए थे तो था कि ठीक है मोदी सरकार निकाल लेगी, मोदी है तो मुमकिन। आपको विश्वास था? हाँ, सबको था, वहाँ पे सब बच्चे ही बोलते थे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी निकाल लेंगे। और जब मम्मी पापा से बातचीत होती थी तो चूंकि आप एक ऐसे माहौल में फंसे हुए थे जहाँ पे खुद आपको भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, तो कैसे हिम्मत बढ़ाती थी आप अपने मम्मी पापा की? अब मतलब वैसे ही, मतलब जब भी टाइम मिल जाता था या थोड़ा बहुत नेटवर्क वगैरह आता था तो कर देते थे कि मतलब है ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है, निकल जाएंगे। बाकी फिर नेटवर्क वगैरह का तो इशू था तो पूरा वो हो भी नहीं पा रहा था। क्या चीज़ आपके साथ थी उस वक्त, क्या सोच, एक सकारात्मक शक्ति, क्या सोच ऐसी थी जो कि आपको बार बार जो है लग रहा था कि मैं वापस सकुशल अपने देश पे वापस आ जाऊंगी? मोदी जी। ग्रेट। साहिल जी कैसा लग रहा है घर पे वापस आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या था माहौल वहाँ पे जब आप फंसे हुए थे, क्या मन में विचार चल रहे थे और मम्मी पापा को आप कैसे मनाते थे कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है? सर जब हम विनित्सिया में थे तो वहाँ पे जब भी सायरन बजते थे तो हम जाते थे बेसमेंट में, तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आती थी। और जब हम सबको पता चला इंडियन फ्लैग के अनाउंसमेंट के बारे में तो हमने सोचा एक बस करते हैं, और हम सब ने जब बस करी और फिर जब बॉर्डर पे गए तो वहाँ पे भी एक दो दिन लगे मुझको निकलने में। गर्ल्स को पहले निकाल रहे थे वहाँ पे, तो मेरे को एक दो दिन लगे निकलने में। वहाँ पे नेट की बहुत, वहाँ पे और भी ज़्यादा दिक्कत थी नेट की, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत कभी मैसेज, फ़ोन तो मुश्किल से ही कर पाते थे, मैसेज से ही बता देते कि अभी निकल रहे हैं, अभी फिर बॉर्डर क्लोज हो गए हैं, अब ओपन होएंगे, फिर से निकलेंगे, तो ऐसे ही बस बात होती थी थोड़ी बहुत। घर पे जब आप आए तो सबसे पहले क्या किया आपने?
सर जब भी घर पे आए तो सारे फैमिली मेंबर्स मिलने आए, सबके फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चे आ गए हैं, क्या क्या है, कैसे हैं, तो सब बस सब सुबह से सबसे मिल ही रहे हैं बस। बहुत बहुत शुभकामनाएं मुनीश जी। बीजेपी सरकार लगातार उस पर निगाह तो रखे हुए ही है, साथ में हर क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जिस भी क्षेत्र से जो भी बच्चा बाहर गया हुआ है उनके परिवार को जो है संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बीजेपी हमारे मोदी जी तो सबको पता है, मोदी है तो मुमकिन है जैसे बच्चे बोल रहे हैं, तो मोदी जी का आगे से आदेश आया है कि जो भी बच्चे फंसे हुए हैं उनके घर जाओ, जो आ गए उनके घर भी जाना है, और जो नहीं आए हैं उनके माँ बाप को भी सांत्वना देनी है कि आप शांति रखो, मोदी जी सब बच्चों को सेफ लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो माहौल है विदेशों में मोदी जी की व्यवहार का ही है, नहीं तो पहले भी देखा होगा कभी कि इतना भारतीयों को कहाँ सम्मान मिलता था, आज एक तिरंगा उन्होंने सामने रखा है और वो सेफ अपने घर लौट रहे हैं, तो ये हमारे तिरंगे की इतनी बड़ी उपलब्धि मानो या इतनी बड़ी ताकत देखो कि उस तिरंगे की कितनी बड़ी ताकत है, और उस ताकत को बढ़ाया है हमारे प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। देशवाल जी आप क्या कहेंगे, विदेशों में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए जो मोदी सरकार काम कर रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए जब से ये समस्या आई है तब से हमारी वर्चुअल और फिजिकल डेली तीन चार मीटिंगें होती हैं संगठन की, और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय मंत्रालय तक हमारे एक दूसरे के संपर्क में हैं, और पूरी हर दो घंटे तीन घंटे के बाद में या तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से या हमें बुला के जो भी कार्यकर्ता को जो दायित्व मिला हुआ है उसकी एडवाइजरी आती रहती है। तो आज सुबह ही हमारी एक मीटिंग थी जिसमें हमें ये लिस्ट प्रोवाइड की गई, हमारी विधानसभा से लगभग 18 बच्चे गए हुए हैं जिनके नाम नंबर सभी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उनके संपर्क में, जो बच्चे आ गए उनसे हम मिलने आए। ये हमारा सौभाग्य है कि ये मेरे पारिवारिक मित्र भी हैं और हमारा गृह वार्ड है, तो इससे चार बच्चे बाहर गए थे उनमें से अब ये दो बच्चे आए हैं, तो इनसे हम सांत्वना देने के लिए और इनसे वहाँ के क्या हालात हैं ताकि हम अब भी अपनी फीडबैक आगे पहुँचा सकें कि बच्चों की हम अच्छी मदद कैसे कर पाएँ ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे। समय एक अलग बात है, 2-4-5 दिन लग सकते हैं, बट जैसे बच्चों का भी, मैं तो ये कहूँगा हम पार्टी के नाते नहीं, बच्चे जो वहाँ पर फेस करके आए हैं, ये जब बंकर में थे इनकी अपनी स्टेटमेंट है, और हमें बड़ी खुशी है ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं कि ये जब बंकर में थे तो इनको भी एक आत्मविश्वास था कि मोदी है तो मुमकिन है, हम अपने गृह सेफ जा पाएंगे, ये इनका विश्वास बोलता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस पूरी भारतवर्ष को ऐसे और बहुत सारे नेता मिलें और मोदी जी की उम्र इतनी हो कि आने वाली पीढ़ियां भी इसका फायदा उठाएं और इस देश के गौरव को और बढ़ाएं। धन्यवाद। मुझे लगता है सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक जिम्मेवार सरकार है। हम अपने बच्चों को इस हालात में वहाँ नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मोदी जी ने व्यवस्था बनाई कि एक एक हमारा स्टूडेंट सुरक्षित वापस आए, इसके लिए उन्होंने अपने चार मंत्रियों को भी वहाँ पर भेजा है, और जो अपेक्षा थी पूरे देश की मोदी जी से उसको वो पूरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हमारे लिए राजनीति कोई राजनीति का केवल एक एक ही उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें बिना किसी भेदभाव के आप देखें, जब भी कोई इस प्रकार का संकट आता है, चाहे वो कश्मीर में बाढ़ आती हो, चाहे किसी देश में हमारे नागरिकों के फंस जाने की बात आती हो, चाहे अफगानिस्तान की बात आती हो, सरकार का एक ही उद्देश्य रहता है कि हम बिना किसी जातिगत भेदभाव के, धर्म के भेदभाव के, जो भारत का नागरिक है वो सब हमारा अपने लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी हमारी है। और सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, हमने भी आज हमें बड़ी खुशी हुई, इन बच्चों को हमने भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत किया अपने देश वापस आने पर, और जो भी इसमें अगले कदम होंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, ये जो उनका कैरियर है ये भी प्रभावित ना हो, परिवार की ये भी चिंता होती है कि बहुत पैसा लगाकर अपना पेट काटकर परिवार बच्चों को बाहर पढ़ने भेजता है, उसके बाद यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो उनके भविष्य को लेकर भी आशंकाएँ होती हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका कैरियर भी खराब ना हो, ये सुरक्षित वापस आएं और इनका सारा जो भी कार्य भारत सरकार कर सकेगी वो करेगी। हमारे लिए हमारे देश के नागरिक हमारे अपने परिवार हैं, भाई बहन हैं, वो किसी प्रकार का उसमें और कोई विशेष सोचने का था ही नहीं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।